गाइज एंड वेलकम बैक टू अगेन ऑन दिस नेक्स्ट व्लॉग। सो गुड बाय उदयपुर, हम जा रहे हैं वापस हमारे घर को। 7 से 8 दिन हो गए थे मेरे को यहाँ पे, अच्छे मजे किए, दिवाली की छुट्टियाँ मना ली, मतलब रहती नहीं है बना ली, खुद से ही बना ली और मना भी ली। सो काफ़ी मज़ा आया। अब 1 महीने के बाद में वापस आएंगे। सो एंजल फुल रेडी है, पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ कम्प्लीट हो गया है एंड मैं भी एकदम फुल एनर्जेटिक रेडी। सो करते हैं फटाफट से 150 किलोमीटर की राइड कम्प्लीट। टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं। सो एंजल की क्लच प्लेट है नहीं डलवाई मैंने, अब सब कुछ काम इसका घर पे जाकर ही होगा। लाइक जो भी दिक्कत थी, लाइट्स ऑफ हो गई थी, क्लच प्लेटें बहुत चिल्ला रही है, इस साउंड में तो ये पता नहीं कहाँ जाती है, और इतना स्लो चल रही है और इतना साउंड कर रही है लाइक। सो बेसिकली ये है ना, क्या नाराज हो गई दिवाली के टाइम, क्या सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं, मैंने इसकी पूजा नहीं की इसीलिए नाराज हो चुकी है। और सुबह सुबह हाई ट्रैफिक। सो यार इतना लेट निकलने का रीज़न ये है कि एक तो सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपको पता ही है एंजल की लाइट्स ढंग से काम नहीं कर रही है, तो सुबह सुबह भाई लाइट्स की ज़रूरत होती है, इंडिकेटर जलाने पड़ते हैं, हेडलाइट जलानी पड़ती है। हमने सोचा लेट ही निकलेंगे इसलिए इतना लेट हो गए। कोई नहीं यार, अभी कंप्लीट कर लेते हैं इस राइड। एयर फिल्टर लगा दिया गाड़ी का, अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे एवरेज भी अच्छा खासा दे देगी अभी। यही तो रिस्क रहता है डॉग्स का, कभी भी निकल के आ जाते हैं। 388 किलोमीटर अजमेर, 260 अपन को जाना है इधर। इसमें यार देखो सेफ्टी फर्स्ट, इसीलिए हमको लगवाने पड़ेंगे साइड मिरर्स। मैंने सोच रहा था जब यहाँ पे आया था लाइक सिटी से लगवाऊंगा, जो यहाँ पे लगते हैं वो तो मैं लगवाना नहीं चाहता यार, क्योंकि उससे बाइक बहुत हाइट बढ़ जाती है, और आपको पता है बिना मिरर्स के बाइक कितनी कूल लगती है, एकदम छोटी सी सिंपल। इसीलिए जो मिरर्स लगवाएंगे या तो यहाँ नीचे की साइड में लगवाएंगे, बाकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है यार राइड पर, लाइक साइड बार बार पीछे देखना पड़ता है। सो आज इतना फास्ट नहीं चलेंगे, आराम से जाएंगे लाइक 60-70 आराम से पहुँच जाएंगे। फाइनली वी आर आउट फ्रॉम उदयपुर, सो सिटी रह गई है पीछे, अब अपन निकल चुके हैं अपने रास्ते पर फाइनली। सो आर यू रेडी गाइस फॉर टनल? रोड पे सब मिलते हैं, छपरीज की कमी नहीं है वैसे। लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, हमको देख के रेस लगाने लगते हैं, ये सोचते हैं कि हम रेस लगाने वाले हैं। नहीं भाई, हम हमारी राइड कंप्लीट करने आते हैं। इतना स्ट्रेस होता है जिंदगी में, दुख दर्द भुलाने के लिए हम आते हैं यार, रेस लगाने नहीं आते मेरे भाई। तो आप भी यार कभी किसी राइडर को देखते हो तो उससे रेस मत लगाओ यार, अगर आपको उससे मिलना है तो आराम से उसके पास जाओ, उसको थम्बम दो, बात कर लो उससे, लेकिन अपने स्किल उसको मत बताओ कि मैं इतना स्किलफुल हूँ। उसके सामने टर्नबाजी करते हैं, मेरे सामने करते, कई लोग करते हैं आगे मेरे सामने यूं करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे पता है ना यार, हम एक क्योंकि एक रेस्पेक्टफुल राइडर, मुझे पता है आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो क्या फिर मतलब। तो अभी पीछे राइडर थे, उनका भी कुछ यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था, लाइक शायद से कपल लग रहे थे, लेकिन अच्छा है। क्या क्या रखा क्या है ज़िंदगी में यार, जो है यही तो है ज़िंदगी, क्या है ज़िंदगी, यही तो है बाइकिंग पैशन, ये ला 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 ला। तो ये रास्ता चला जाता है कैलाशपुरी को, जहाँ तक ही नहीं वापस मिलता इधर ही है ये रोड। अभी मना है, पहले सारी गाड़ियाँ उधर से जाती थी, उधर क्या ऐसे पहाड़ बहुत है, तो डेली लैंड स्लाइड हो जाती थी बारिश के टाइम में, पत्थर वत्थर गिर जाते थे, तो उस रोड को बंद कर लिया। बाकी बहुत अच्छी जगह है, लाइक एकदम नेचर, खुला नेचर एकदम,
सेकेंडरी फुल। सो दिल्ली है 642, जयपुर 377, अजमेर 247 किलोमीटर यहाँ से दूर। पिछली बार मैंने बताया यहाँ पर गाड़ियाँ जब चढ़ती है ना बहुत धीरे धीरे चढ़ती है, तो अभी मालूम पड़ा है कि ये बहुत लंबी सी ढलान है। लाइक आपको यहाँ पे पता नहीं पड़ रहा होगा लेकिन लंबी सी ढलान है, तो जाते समय कोई दिक्कत नहीं। आप भले ही मैं न्यूट्रल कर लूँ गाड़ी तो 2-3 किलोमीटर आराम से चली जाएगी, लेकिन सब जब अपन चढ़ाते हैं गाड़ी तो अभी भी एक ट्रक खराब हुआ पड़ा था लाइक रोड के बीचों बीच में। देखो मतलब जहाँ तक आपकी पहुँच रही वहाँ तक रोड। सो भगा के देखते हैं बुले रोड पर 90। हमारी भोलेनाथ जी की प्रतिमा का उद्घाटन 2-3 दिन पहले ही हुआ है और यहाँ पर हमारे स्टेट के लाइक सीएम भी आए थे उद्घाटन के लिए। तो अभी मैंने सुना है 9 दिन तक यहाँ पर खाना पीना लोगों का लगा है, इसलिए कुछ मेले वेले जैसा सीन है यहाँ पर। एक दिन जरूर हम भी आएंगे यहाँ पे पर्सनल, यहाँ की राइड करेंगे लाइक भगवान जी की। अब देखना इस सिटी को लाइक नाथद्वारा को काफी ज्यादा अपडेट हो जाएगा, काफी ज्यादा बदल जाएगा। प्रतिमा को बनते हुए 7-8 साल से देख रहा हूँ लेकिन अभी 2-3 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। और कल तो हमारे वेरी फेमस आप जानते होंगे हंसराज रघुवंशी, जो कि सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ जी के ही गाने बनाते हैं, वो भी आने वाले हैं यहाँ पर। ज़्यादातर जो भी गाने बनेंगे भोलेनाथ जी के सब यहाँ पे शूट होंगे। सो आज मेरी वीडियो में आप कुछ लोकेशन देख लो एंड इन फ्यूचर आप देखना बहुत बदल जाएगा। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं हमें हमारी राइड हमेशा सेफ रखे और नई नई राइड करे, लंबे लंबे जाए। भोलेनाथ जी की इस प्रतिमा के अलावा यहाँ पे एक मंदिर और है श्रीनाथ जी का, यहाँ पर भी मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं लाइक मुकेश अंबानी तक कुछ भी अपना नया अपडेट कुछ भी नया स्टार्टअप करते हैं उससे पहले यहाँ पे श्रीनाथ जी के मंदिर पर आते हैं, यहाँ से पूजा वूजा आरती वारती करके फिर अपना स्टार्टअप करते हैं। चलते भगवान जी, हर हर शंभू। बहुत बदलने वाला है ये, बहुत बदलने वाला है नाथ द्वारा। राजसमंद है, काफी अच्छा लिखा है लाइक पहाड़ पर राजसमंद। राजसमंद की आपको फेमस चीज बताया क्या है, तो चारों तरफ देख लो पत्थर ही पत्थर पड़े हुए रखे हुए हैं। ये अलग अलग इनके ग्रेनाइट से मेहता ग्रेनाइट बहुत सारे मतलब अलग अलग डीलर्स है यहाँ पे जो कि इनकी डीलिंग करते हैं पत्थरों की। यहाँ पर बहुत सारी माइंस है लाइक खदानें हैं इन पत्थरों की, अलग अलग काले वाइट, सबसे ज्यादा ये वाइट वाले पत्थर निकाले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री तक जाते हैं लाइक दुबई वगैरह सब यहाँ से पत्थर जाते हैं। और जो ताजमहल बना हुआ है वहाँ पे जो पत्थर गया है ना, बहुत सारा पत्थर यहाँ राजसमंद से ले जाया गया था। तो ये काम होता है राजसमंद में। ये देखो कुछ दिखा आपको लाइक पहाड़ भी वाइट वाइट है, ये एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, ये यहाँ पे सारी खदान है, माइंस लगी हुई है यहाँ पे अंदर, जो कि अंदर से जो पत्थर निकलता है ना वाइट वाइट लाइक मिट्टी वगैरह, तो उसको उसके ये पहाड़ बनाए हुए हैं ये सारे वाइट वाइट। ये देखो पूरा ही माइंस माइंस पत्थर मार्बल, इसको बोलते हैं मार्बल लाइक। ये देखो जहाँ तक आपकी नजरें पहुँच रही है आपकी, वहाँ तक पत्थर ही पत्थर है। बेसिकली कुछ इस तरीके से इन पत्थरों को यहाँ से ले जाया जाता है, मतलब देख सकते हो ये ऐसे हमारे इधर चलते हैं ट्रक्स लंबे लंबे वाले तरीके से पत्थरों को रखते हैं। अब आगे कहाँ ले जाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इम्पोर्ट यहाँ से होते हैं राजसमंद के अलावा से। लो जी आ गए हैं हम वापस से ऑफ रोडिंग के इलाके में, तो यहाँ से आगे वापस से ऑफ रोडिंग स्टार्ट है लाइक यहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आगे लाइक, मतलब यहाँ से लगभग
आई एम नॉट श्योर बट 70-80 किलोमीटर तक आगे ऐसे ही रोड मिलेगा आपको, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये देखो दी एंड ऑफ 4 लाइन हियर। ओहो लो जी हो गई है फाइनली ऑफ रोडिंग स्टार्ट। अभी थोड़ा बहुत ठीक कर लिया है इन्होंने रास्ते को, जैसे इस तरीके से कट मार रखे हैं थोड़े थोड़े बन के, तो इसको इधर से ज्वाइंट कर लिया, उसको आगे से उधर से ज्वाइंट कर लिया, तो इस तरीके से काम चल रहा है। किधर जाएगा ब्रो? वो यहाँ से वापस इधर, फक यहाँ से वापस इधर, ये क्या किया तूने? ओ माय गॉड साइड में चली गई। मेरे भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4 लाइन दिख रहा है क्या तेरे को? अभी यहाँ पे लगता है काम बंद पड़ा है, बाकी बहुत सारी एजेंटीज रहती है, ट्रक्स रहते हैं यहाँ पे, मजदूर रहते हैं काम करते हैं यहाँ पे, काम बंद पड़ा है मतलब। कमर दुखने लग गई मेरी, बैक में काफी ज्यादा दर्द होने लग गया है। पेट्रोल का काटा भी स्पीडोमीटर के जैसे ऐसे ऐसे कर रहा है देखो। वो शायद से अंदर से हिल रहा होगा, तो इसलिए वो बार बार इधर उधर हो रहा है। फोको ऑफ माय गॉड, लगा एंजल को लगा। ऑफ रोडिंग इससे आगे निकलना पड़ेगा वरना तो ये हमको भूत बना देगा। बाय। शायद से यहां पर भी ब्रिज बनेगा। तो आ गया हमारा पिट स्टॉप। सो एक और बाइकर्स है यहाँ पर, वाह हिमालयन। ओके स्कर्ट टायर स्कर्ट हो रहा है इसका, सो अमेजिंग। GJ 15 हिमालयन। सो ये रही हमारी चाय एंड वो रही एंजल। और सो यस ऑल सेट हो गया है, चाय का ब्रेक कंप्लीट। और भाई साहब बहुत खतरनाक वाली, यहाँ पे ये क्या डाल रखा है यहाँ पे, फोटो में लेके आप खींच लो, फोन को ये ऐसे ही रखना आप। टीचर हाँ पूरी गाड़ी आ रही ना, सीधा रखो फोन का यूं, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे बिल्कुल, एक इधर से खींच लो इधर से। बहुत बढ़िया गाड़ी से। अच्छी लग रही है मैं उदयपुर जाता रहता हूँ, महीने में एक ट्रिप तो होती है। सब कंप्लीट है और यहाँ से घर बहुत नजदीक रह गया है, थोड़ा सा ही दूर है। सो अभी मैं कैमरा बंद करूंगा क्योंकि GoPro की बैटरी लो हो गई है,
सो मिलते सीधा दुकान पे या फिर घर पे। ओके सो यार फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने शॉप पे। सो असली सुकून तो यहाँ पे आके मिला है यार। लाइक 8-9 दिन हो गए मेरे को, बाहर था मैं और आज पहुँचा हूँ फाइनली दुकान पे। सब अभी तहस नहस पड़ा है, अभी मेरे को पूरा शाम लगेगा इसको सब कुछ ठीक करने में, सेटलमेंट होने में। और अभी भी चाय पी थी, लेकिन दुकान पे आने के बाद यार दुकान की चाय होती है यार, मैं बहुत मिस कर रहा था लाइक इसको, इस चाय को। सो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं। एंड व्लॉग्स कैसे लगे आप कमेंट करना, और अभी कुछ नया कंटेंट स्टार्ट करते हैं अपन। लाइक मैंने बताया था राइड का कंटेंट जब स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम मैंने बताया था, सो देखते क्या होता है। सो ओके बाय, सपोर्ट करना मेरा। और गाइज कुछ भी नई वीडियोज़ आए तो, और नया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। सो ओके बाय।